हेलो गाइस, और आज जिस रूम को मैंने कल दिखाया था आपको कि कितना फैला हुआ था, मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको उस रूम को थोड़ा जो ठीक ठाक कर दिया है वो दिखाती हूँ, दिखाऊँ मैं आपको। और एक बात, मेरे पास ना आज कोई ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मुझे वीडियो बनाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस रूम को जो मैंने थोड़ा बहुत ठीक किया, बाकी सब वही है बस थोड़ा बहुत ठीक किया है, और उस रूम को दिखाऊंगी मैं। अलमारी आई है वो दिखाती हूँ अभी, उसको कैसे मैंने रखा है। अभी थोड़ा ना इसमें डेकोरेशन की ज़रूरत है। अभी हमारा घर अभी तैयार हुआ था, अप्रैल में फाइनल हुआ था, मतलब नया नहीं बना था, मतलब बन रखा था, तो उसमें थोड़ा बहुत हमने काम कराया था, तो इस वजह से इसकी डेकोरेशन हम कर नहीं पा रहे थे, अब करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कल इस बेड की कितनी हालत बेकार थी ना, आज मैंने इसकी बेडशीट चेंज कर दी, नहीं बेडशीट मैंने कल ही चेंज कर दी थी, बट आज मशीन लगाई है वो सब वॉश किया था, इतने कपड़े थे ना मैं बता नहीं सकती, बहुत सारे कपड़े थे यार आज वॉश करने के लिए। इसको मैंने इस तरीके से कर दिया है, और ये गुड्डू की टेबल चेयर वॉश करने हैं मुझे अभी, और गुड्डू अभी स्कूल से नहीं आई है, थोड़ी बहुत देर में आने वाली है वो, 10-15 मिनट में, और पता नहीं उसने यहाँ अपना कुछ सम्स वगैरह कर रखे हैं। और ये साइकिल बड़े उससे मंगाई थी, विपिन ला के दो, विपिन ला के दो, मुझे साइकिल करनी है, साइकिलिंग करनी है, जैसे सबके साथ होता है कि हमें ये चीज़ करनी है, शुरू शुरू में हम 1-1.5 महीना करते हैं फिर छोड़ देते हैं उसके बाद नहीं की। और ये मेरे ना पास छोटी सी पेटी थी उस पर मैंने इस तरीके से बिस्तर रख दिया जो आजकल यूज़ हो रहे हैं। और ये गुड्डू की जींस है जो पड़ी हुई है, ये रह गई, ये बड़ी पेटी है जिस पे मैं प्रेस भी कर लेती हूँ, प्रेस के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होती है, वैसे कपड़े प्रेस होने के लिए बाहर जाते हैं पर जो गुड्डू के कपड़े वगैरह हैं वो मैं प्रेस करती हूँ। तो चलते हैं इस कमरे से बाहर दूसरे वाले रूम में जिसमें मैंने अलमारी बेड, ये जो बेड था ना जब ये घर में काम लग रहा था तब ये बेड उसी रूम में था जिससे हम अभी निकल के आए हैं। फोकस नहीं कर रहा है फ़ोन कैमरा, ये बेड अभी ठीक हो के आया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये इसमें गुड्डू की बुक्स वगैरह रखी हैं, ये इस तरीके से हैं। और मैंने ना उस बेडशीट को इस बेड पे डाल दिया क्योंकि वहाँ ये बहुत कम साफ़ थी, इसकी जो बेडशीट थी ऑरेंज कलर की वो मैंने वॉश कर दी आज, और वो वाली वो साफ़ ही थी तो मैंने इस पे डाल दी, और उसकी मैंने डार्क कलर की लगा दी क्योंकि वहाँ बहुत कम होता है, यहाँ टीवी वगैरह है तो यहाँ ज़्यादा वो होता है, इसलिए मैंने बेडशीट वो इधर डाल दी। मैंने कहा यार बहुत सारे कपड़े उड़े हैं इसको रहने देती हूँ। ये इधर कूलर है, ये हमारी विंडो है, और ये अलमारी है जो ठीक होके आई है। आज गुड्डू थोड़ा जल्दी आ गई है, या तो उसकी बहन वाले भैया आज जल्दी में थे शायद। और ये है, ये देखो कल मैंने फिर से इसको ठीक किया था और वो पीछे जो गुड्डू की फ़ोटो है वो गिरी पड़ी है, और ये इस तरीके से है। और अभी ना आपको इसकी दीवारें खाली खाली लगेंगी। और ये है मेरे जेठ और जेठानी, वो जेठानी नहीं है ये जो मतलब दिखती है आपको मेरे वीडियोज़ में, ये विपिन के मासी के बेटे हैं और उनकी बहू हैं, मतलब मासी के बेटे बहू हैं ये। आपको ये साड़ी दिखाऊंगी खोल के, मैंने इसलिए बाहर निकाली थी कि मैं होली पे कौन सी साड़ी पहनूंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलते हैं अपने उसी रूम में, और गुड्डू आ गई है। गुड्डू हेलो, गुड्डू को स्टार बैच मिला हुआ है। थक गए आप, खाना खाना है? चलो अभी बनाऊँ या थोड़ी देर में? चलिए मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी है, ये इसका ब्लाउज़ है, अभी ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, मैं कल ही पहनूंगी इसको फर्स्ट टाइम। और पता है क्या, टेलर ने इसमें लटकन तो लगाई नहीं है ना, पतली वाली लगाने को बोला था, कैसी पता नहीं कैसे बल बल से देके बना दी। और ये साड़ी है, बहुत हल्की सी साड़ी है, मैंने कहा मैं इसी को ही पहनूंगी, कलर भी प्यारा है इसका, और ये सिंपल ही है अंदर से ऐसी है। मैं चलो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, अच्छा लगता है ना किसी के कपड़े देखना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ऐसे है, ये इस तरीके से ये नीचे से है और ऊपर से ऐसे रहेगी शायद ये, हाँ ये नीचे का ही साइज़ है, वो नीचे का ही साइज़ बोल रही हूँ, नीचे का ही है ये क्योंकि इसमें फोल्ड लग रहा है इस तरीके से। बताना आपको मेरी साड़ी कैसी लगी। गुड्डू अंदर बैठ के टीवी देख रही है, मैं इस रूम में आ गई हूँ, यहाँ बैठ गई हूँ, साड़ी आपको मैंने दिखाई है, बताइएगा कैसी लगी। और मैं ना कानों में कुछ नहीं पहनती, आप सोचते होंगे कि मैं कानों में कुछ नहीं पहनती, मुझे ना कानों में पहनना अच्छा नहीं लगता, फिर जब हम लेटते हैं ना तो वो ऐसे चुभते हैं ना, तो मुझे फिर निकालने पड़ते हैं, फिर मैं पहनती ही नहीं हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ तब मैं पहनती हूँ। और कल होई है, होई का फास्ट है, खुशी होती है ना जब ऐसा कुछ होता है, वैसे मतलब कल जैसे होई है तो वो बोलते हैं बच्चों के लिए व्रत होता है, करवा चौथ पे हस्बैंड के लिए होता है, हम लोगों के लिए कोई नहीं रखता हम लोग खुद ही अपने लिए बोल देंगे कि हम पे भी अपनी कृपा बनाना भगवान, हमारे भी हमें भी लंबी उम्र देना, हमें भी खुश रहेगा।
तो मैं ये बोलूंगी इस चीज पे कि ऐसा कुछ नहीं है कि खाली करवा चौथ पे हम पति की लंबी आयु मांगते हैं या खाली होई पे हम बच्चों के लिए मांगते हैं, नहीं। एक माँ, एक बीवी या एक घर की औरत ऐसी होती है, वो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार में सुख शांति के लिए रोज़ भगवान से प्रार्थना करती है। और तो ऐसा कोई एक दिन नहीं है कि एक ही दिन हम बच्चों के लिए करेंगे या अपने घर परिवार के किसी एक सदस्य के लिए करेंगे, नहीं। रोज़ का यही होता है, बस भगवान घर में सबके घरों में सुख शांति रखें। और होई के दिन निर्जल व्रत ही होता है, जैसे करवा चौथ पे होता है वैसे ही होता है, निर्जल व्रत होता है। और उस दिन हमारे यहाँ पे कुछ काटते पीटते नहीं है, ना कोई फल खाते हैं, ना कोई सब्जी वगैरह काटते पीटते हैं, ना कोई फल काटते पीटते हैं। तो आज जो थोड़ा बहुत आज करके रख दूँगी मैं, धनिया वगैरह मिर्च वगैरह निकाल के साफ़ करके और मटर निकाल के और बाकी के जो प्याज टमाटर वगैरह या तो मैं रात में करके रखूँगी या मैं कल सुबह विपिन करेंगे, मैं नहीं करूँगी। तो देखते हैं वो कैसे होता है, वो मैं उनको पूछूंगी अगर उनको करना होगा तो, वरना मैं खुद ही रात को करके जो टाइट डब्बा होता है उसमें रख दूंगी करके। वैसे कुछ ना कुछ तो काटना पीटना पड़ता ही है हर साल, मतलब ऐसे करते हैं, बट ऐसा होता ही है कुछ ना कुछ। अब बताओ, धनिया थोड़ी ना हम धो के काट के रखेंगे, धनिया तो अगर धो के काट के रखेंगे तो वो थोड़ा काला काला सा हो जाता है, उसे देख के डालने का मन नहीं करता। तो धनिया तो कल ही धोकर कटेगा तो वो तो हमें काटना ही पड़ेगा। गुड्डू छोटी है, मैं उससे अभी कराऊंगी नहीं, जब बड़ी हो जाएगी ना तब मुझे बहुत आराम होगा गुड्डू का, लड़कियों का बहुत आराम होता है। और होई का व्रत ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा होता है कि मतलब बेटों के लिए होता है, होई का व्रत ऐसा होता है जो संतान के लिए होता है या अपने बच्चों के लिए होता है। बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेटा ज़्यादा वो है। तो वैसे दोनों चीज़ ज़रूरी होती हैं, देखिए सबके लिए, बेटी भी ज़रूरी है हर घर में, बेटा भी ज़रूरी है हर घर में, क्योंकि बहन को भाई चाहिए, भाई को बहन चाहिए। और इस त्यौहार में क्या होता है, यही सब होता है, काटना पीटना नहीं होता है। एक वो माला सी होती है जो हम गले में डालते हैं, उसमें हमें हर साल दो मोती डालने होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, तो वो विपिन लेके आएंगे रात को। और बाकी चीज़ें मैं आपको कल ही दिखाऊंगी जो मैं करूंगी, और मैं कल भी ऐसे ही करूंगी कि दोपहर के टाइम अपने काम से फ्री होके अपना जो शाम की तैयारी है वो मैं थोड़ी बहुत करके रखूंगी। जैसे प्याज तो हो ही चुकी होगी, जैसे मैं कल आलू फ्राई भी बनाऊंगी तो मैं उनको थोड़ा उबाल के रख लूंगी, आलू की कचौड़ियाँ बनाऊंगी तो वो दोनों के लिए आलू एक ही बार उबल जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो कल का कल देखेंगे, आपको दिखाऊंगी मैं कल का भी, मैं पूरा दिन वीडियो शूट करूंगी। और इस वीडियो को, इस ब्लॉग को आप एक बहाना कह सकते हैं आपसे बात करने का, क्योंकि मेरा अब मन ये होता है कि मुझे रोज़ वीडियो शूट करना है, रोज़ आपसे कनेक्ट रहना है मुझे। तो इस चक्कर में मैंने आज ये, मैंने कहा मैं क्या करूँ, आप ऐसा भी होता है ना कि लोग ये ना बोलेंगे बॉस एवं शुरू हो गए, तो इसलिए मैंने इस तरीके से, मैंने कहा चलो ये बात की बात हो जाएगी, शायद किसी को थोड़ी बहुत इसमें से हो ही कि इसमें से कुछ मिल जाए कि हाँ कहानी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और कल मिलेंगे। कल मैं सुबह से कोशिश करूँगी बनाने की, सुबह से नहीं तो मैं दोपहर से तो जरूर कोशिश करूँगी, क्योंकि काम इतना हो जाता है ना पता ही नहीं चलता। वैसे मैंने आज अपना सारा काम फिनिश करने की कोशिश की है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना चाहती मैं ज़्यादा। जो रोज़ का काम है हमारा, झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन, ये तो होंगे ही होंगे, ये तो रोज़ ही होंगे, चाहे कितना ही कर लो रोज़ करने आए। तो औरत का काम वैसे कभी ख़त्म नहीं होता, और कोई छुट्टी नहीं होती, करना ही पड़ता है। और अब गुड्डू की छुट्टियां पड़ेंगी दिसंबर में, इस बार उसकी छुट्टियां लेट हो रही हैं, हर बार दिसंबर में पड़ती थी, 25-26 दिसंबर से पड़ती थी और जनवरी तक पड़ती थी, इस बार जनवरी में ही शुरू है, 5 जनवरी से। मुझे अपने घर जाना है, मम्मी बुला रही है घर आओ घर आओ, मैं रही नहीं हूँ, मैं पता है अपने घर एक एक साल हो जाता है मुझे जाए को, अब मैं जाऊँगी जनवरी में, और मैं इसके लिए अभी से खुश होना शुरू हो गई हूँ। होता है ना, हम किसी भी चीज़ के लिए पहले ही खुश होना शुरू हो जाते हैं, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, छोटे से छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़, हम पहले ही उसे गाने लगते हैं कि ये आ रहा है, ये करना है, ये। अब मुझे दिवाली का भी है कि अब मैं दिवाली पे ना थोड़ी सी शॉपिंग करने का सोच रही हूँ, उन कमरों की दीवारें खाली खाली लग रही हैं, तो वहाँ कुछ लगाना है, तो वहाँ के लिए कुछ लेकर आएंगे और देखते हैं क्या लाएंगे। जाएंगे बाजार, कुछ समझ में नहीं आता जाने के बाद, ये लें या ये लें या वो लें या वो ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। घर पे ही कोई ला के दे देना तो वो ठीक है, फिर हमें कंफ्यूजन नहीं रहता, वो चीज़ आ गई वही चीज़ हमें करनी है। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, इसको हम यही ख़त्म करते हैं, बक 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 बक। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।